हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैमअप विद तान्या। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो गाइज, फर्स्टली हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। और नवरात्रि के इस ओकेजन पे मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ ये ट्रेडिशनल दुर्गा पूजा मेकअप लुक। और गाइज, मैंने पहले भी ट्रेडिशनल नवरात्रि मेकअप लुक किया है, तो अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, सो आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप देखना चाहते हैं कि मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज। सो गाइज, मैं सभी मेकअप प्रोडक्ट की डिटेल भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, सो आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। सो या गाइज, दैट्स इट फॉर दिस इंट्रो। नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो गाइज, आई एम स्टार्टिंग विद माई स्किन केयर ताकि मेरी स्किन नेचुरली ग्लो करे। सो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ प्लम्स ग्रीन टी टोनर, एंड गाइज दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट टोनर। अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस टोनर। सो नेक्स्ट टू मॉइस्चराइज माई फेस, आई एम यूजिंग दिस गुड वाइब्स एलोवेरा फेस जेल, एंड दिस इज़ ऑल्सो अ गुड प्रोडक्ट गाइज। अगर आपको जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर अच्छे लगते हैं, या फिर आपकी कॉम्बिनेशन या फिर ऑयली स्किन टाइप है, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस फेस जेल। नेक्स्ट टू मॉइस्चराइज माई लिप्स, आई एम यूजिंग दिस ब्लू हेवन लिप बॉम इन द फ्लेवर बबल गम। सो गाइज, अब मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ NYB का प्राइमर टू प्रेप माई स्किन। एंड गाइज, आप हमेशा प्राइमर यूज़ करा करो मेकअप से पहले, ताकि आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग भी रहे और आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रहे और आपका बेस काफ़ी ज़्यादा फ्लॉलेस भी दिखे। सो गाइज, नाउ मूविंग ऑन टू माई बेस, आई एम यूजिंग दिस मेबलिन फिट मी फाउंडेशन इन दी शेड 115 आइवरी। और पहले मैं इसको डॉट डॉट करके अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी गाइज, ताकि मेरी फाउंडेशन काफ़ी इवनली अप्लाई हो पूरे फेस पे। एंड नाउ विद दी हेल्प ऑफ अ डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर, मैं अपनी फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। गाइज, आप हमेशा एक बात याद रखना कि ब्लेंडिंग इज़ द की। अगर आप अच्छे से ब्लेंड करोगे तो आपका बेस काफ़ी ज़्यादा फ्लॉलेस दिखेगा और काफ़ी ज़्यादा नेचुरल लुक आएगी। सो गाइज, नेक्स्ट टाइम यूजिंग दिस वेट एंड वाइल्ड कंसीलर इन दी शेड लाइट मीडियम बेज। और इसको मैं अपनी अंडर आइज पे, आईलिड्स पे, नोज पे, फोरहेड पे और थोड़ा थोड़ा सा अपने चीक्स पे भी अप्लाई करूंगी। एंड नाउ विद द हेल्प ऑफ द सेम ब्यूटी ब्लेंडर जिससे मैंने अपनी फाउंडेशन ब्लेंड की थी, उससे मैं अपने कंसीलर को भी ब्लेंड कर लूँगी। एंड गाइज, टॉकिंग अबाउट दिस कंसीलर, ये कंसीलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी अच्छी कवरेज प्रोवाइड करता है और काफ़ी ईजिली ब्लेंड भी हो जाता है। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड अफोर्डेबल कंसीलर, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस कंसीलर। सो नेक्स्ट टू सेट माई बेस, आई एम यूजिंग दिस मेबलिन फिट मी कॉम्पैक्ट इन दी शेड 230 नेचुरल बफ। और गाइज, यहाँ पे मैं एक बफिंग ब्रश यूज़ कर रही हूँ इसको अप्लाई करने के लिए। सो टॉकिंग अबाउट दिस कॉम्पैक्ट गाइज, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कॉम्पैक्ट पाउडर। ये काफ़ी अच्छे से सेट कर देता है बेस को और काफ़ी ज़्यादा मैटिफाई कर देता है बेस को। और ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है गाइज, अप्रोक्स आपको 300 रुपीज़ में ये मिल जाएगा। सो नेक्स्ट टू लुक माई बेस गाइज, आई एम यूजिंग दिस लोरियल इनफेलेबल मेकअप सेटिंग स्प्रे। एंड देन विद द हेल्प ऑफ अ ब्यूटी ब्लेंडर मैं थोड़ा थोड़ा सा डैप कर लूंगी इसे। सो नाउ मूविंग ऑन टू माई आई मेकअप, आई एम यूजिंग दिस हुडा ब्यूटी रोज गोल्ड रीमास्टर्ड पैलेट। और इसमें से मैं ये शेड हीना लूंगी, एंड ये कोरली ब्राउन सा शेड है। इसकी हेल्प से मैं अपनी क्रीज को बिल्ड करूंगी गाइज। नेक्स्ट मैं इसी पैलेट में से ये मैन ईटर शेड लूँगी, ये रेड शेड है, और इसको मैं अपनी आईलिड पे अप्लाई करूँगी। एंड गाइज, टॉकिंग अबाउट दिस आई शेडो पैलेट, ये ड्यूप है, ये मैंने एक इंस्टाग्राम स्टोर से परचेज की थी, उसका इंस्टाग्राम हैंडल मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी।
नेक्स्ट मैं इस पैलेट में से ये ब्लैक ट्रफल शेड लूँगी और इसको मैं अपने आउटर वी पे अप्लाई करूँगी। गाइज मेरे को इसमें काफ़ी ज़्यादा स्मोक आउट लुक नहीं चाहिए थी, पर मुझे आउटर वी को थोड़ा सा इंटेंस शो करना था, इसलिए मैं इसको सिर्फ अपने आउटर वी पे अप्लाई कर रही हूँ और थोड़ा थोड़ा सा मैं इसको अपने क्रीज पे भी ब्लेंड करती जाऊँगी ताकि शार्प एजेस ना लगे। और अब मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड फोटो फोकस कंसीलर इन दी शेड लाइट मीडियम बेज। और गाइज इसको मैं हल्का हल्का सा अपने इनर वी पे अप्लाई करूँगी। एंड गाइज फिर एक स्मॉल फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं इसको स्प्रेड कर लूँगी धीरे धीरे से। एंड गाइज यहाँ मैं इसको सिर्फ अपने इनर वी तक अप्लाई करूँगी, मैं इसको अपनी पूरी आईलिड पे अप्लाई नहीं करूँगी। सो यहाँ पे अब मैं उसी आई शेडो पैलेट में से गोल्डन शिमरी शेड पिक करूँगी 24K और अपने फिंगर की हेल्प से कंसीलर के ऊपर इसको अप्लाई कर लूँगी। सो गाइज यहाँ पे मैंने कंसीलर इसलिए अप्लाई किया था ताकि जो ये शिमर शेड मैं अप्लाई कर रही हूँ वो काफ़ी ज़्यादा पॉपअप होके दिखे। सो गाइज अब मैं यहाँ ले रही हूँ मेबलिन मास्टरक्रोम हाइलाइटर इन दी शेड 100 मोल्टन गोल्ड और इसको मैं अपने इनर वी पे अप्लाई करूँगी। सो गाइज यहाँ पे मुझे ग्लिटरी आई मेकअप नहीं चाहिए था, पर हाँ मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शिमरी आई मेकअप चाहिए था। और अब एक क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी ताकि शार्प एजेस ना रहें। सो गाइज नाउ आई एम यूजिंग दिस स्टे क्वार्केज लिक्विड आई लाइनर इन दी शेड ब्लैक और इसकी हेल्प से मैं मीडियम थिक विंगी आई लाइनर ड्रॉ करूँगी। गाइज यहाँ पे मैं विंग थोड़ा सा लंबा करूँगी क्योंकि लॉन्ग विंगी आई लाइनर काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है दुर्गा पूजा के लिए। सो गाइज नाउ टू कर्ल माई आई लैशेज आई एम यूजिंग दिस मेबलिन हाइपर कर्ल वॉल्यूम एक्सप्रेस मस्कारा। एंड गाइज टॉकिंग अबाउट दिस मस्कारा, ये मस्कारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल भी है, लगभग 300 रुपीज़ में ये आपको कहीं पर भी मिल जाएगा। और अगर आपको फॉल्सेस अप्लाई करना अच्छा नहीं लगता है पर आपको वॉल्यूमेटिक आई लैशेज चाहिए तो आप सिर्फ इसको अप्लाई कर लीजिए और आपकी आई लैशेज काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूमेटिक लगने लगेंगी। सो नाउ आई एम यूजिंग दिस NYBA डीप इंटेंस कोल काजल इन दी शेड ब्लैक और इसको मैं सिर्फ अपनी लोअर वाटर लाइन पर अप्लाई करूँगी। एंड गाइज नाउ विद दी हेल्प ऑफ अ स्मजर ब्रश मैं अपने काजल को स्मज कर लूँगी। सो गाइज यहाँ पे मैंने फॉल्सेस अप्लाई कर लिया जो मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज की थी और यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन हाइपरकर्ल वॉल्यूम एक्सप्रेस मस्कारा ताकि मेरी फॉल्सेस और मेरी नेचुरल आई लैशेज काफ़ी ज़्यादा मर्ज लगें। सो गाइज नाउ आई एम डूइंग माई आईब्रोज और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन फैशन ब्राउज इन दी शेड ब्राउन और इसकी पाउडर साइड से मैं अपनी आईब्रोज को फिल इन कर लूँगी। सो नाउ आई एम यूजिंग दिस मेकअप रेवोल्यूशन डुओ फेस स्कल्ट और इसके ब्राउन शेड की हेल्प से मैं अपने फेस की ब्रॉन्जिंग कर लूँगी। और गाइज मैं अपने नॉर्मल एरियाज की ब्रॉन्जिंग करूँगी जैसे मेरी चीक बोन, फोरहेड, नोज और जो लाइन।
नाउ आई एम यूजिंग दिस SFR कलर कॉन्टोर पैलेट और इसमें से इन दोनों ब्लश शेड को मिक्स करके मैं अपना ब्लश अप्लाई करूंगी। सो नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस मेबलिन मास्टरक्रोम हाईलाइटर इन दी शेड 100 मोल्टन गोल्ड और इससे मैं अपनी चीक्स को, ब्रिज ऑफ दी नोज को और फोरहेड को हाईलाइट कर लूँगी। सो टॉकिंग अबाउट दिस हाईलाइटर गाइज, ये काफ़ी अच्छा हाईलाइटर है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, 500 के आसपास का आपको मिलेगा, पर गाइज बिलीव मी ये वर्दी है। काफ़ी सिंपल सटल सा ग्लो देता है और काफ़ी ज़्यादा नेचुरल लुक प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट मैं एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से इस हाईलाइटर को अपने ब्रिज ऑफ दी नोज पे, ब्राउ बोन पे और इनर वी पे भी अप्लाई कर लूँगी। सो गाइज, अब मैं अपने मेकअप को लॉक कर लूँगी ताकि मेरा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ L'Oreal इन्फेलेबल मेकअप सेटिंग स्प्रे। सो गाइज, लास्टली फॉर लिपस्टिक आई एम यूजिंग दिस मेबलिन न्यूयॉर्क लिप ग्रेडेशन इन दी शेड Red 1 एंड गाइज ये काफ़ी प्यारा रेड शेड है, दुर्गा पूजा के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा। सो गाइज, दैट्स इट, आवर मेकअप लुक इज कम्प्लीट एंड गाइज इस आउटफिट की और ज्वेलरी की डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, सो यू कैन चेक इट आउट। सो या गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये लुक पसंद आई है तो प्लीज़ कॉमेंट करके बताइएगा और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज। सो या गाइज, मैं मिलती हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज, टेक केयर।